वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज आई एम पूजवा एंड आज की वीडियो में हम अपने कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और कितना टाइम हमें कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस को Uh, पढ़ने में अलॉट करना है तो यहाँ पे ना बहुत लोग बेवकूफी कर जाते हैं बुक में जितने भी कार्टून हैं हम सबको छान मारते हैं तीन से चार घंटे लगा के या इवन मोर देन दैट हम इस uh, टॉपिक को टाइम अलॉट कर देते हैं फॉर फोर मार्क्स आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में फोर मार्क्स का एक कार्टून आएगा वो भी क्या पैटर्न है एम है देखते हैं जरा देखिए यहां पे आपको एक कार्टून प्रोवाइडेड है ऊपर से यहां पे इस कार्टून से रिलेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो अगर आपने रीड करी है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे सो so, तो right? तो इसीलिए यहां पे स्मार्ट स्टडी की जरूरत है एक बार ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप देखिए पे पूछा बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना पंडित नेहरू Was having talks with his counterpart Dash in China, which proved futile. Who was the Chinese representative, Chinese leader at that time, right? It was Mao. राइट क्लियर right, है तो ये आप अगर आप कॉन्टेक्स रीड कर रहे हैं यू नो यू हैव आप आंसर कर पाएंगे नेम द प्लेस इन इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड चाइना इन दर नाइनटीन सिक्सटी टू अक्साइड चीन एरिया राइट हमें पता है डैश वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर कौन थे डिफेंस मिनिस्टर इंडो चाइना वॉर के टाइम पे वी कृष्णा मैन वी के मैनन राइट right? जिन्होंने फिर क्या किया था रिजाइन भी कर दिया था फोर्थ वाला क्वेश्चन इसमें था अबाउट द पंचशील अग्रीमेंट कि कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ म्यूचुअली बिटवीन द टू कंट्रीज इट वाज द पंचशील अग्रीमेंट देख रहे हैं आप अगर इसमें आप इतने अपने घंटे वेस्ट करें पूरे कार्टून अगर हम बात करें बुक टू में भर भर के कार्टून है राइट सो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है हमें स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली अपने कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस के साथ डील करना होगा तो अब ये कैसे करें सबसे पहली बात तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में कार्टून्स पूछे गए हैं सबसे पहले हम वो करेंगे इस वीडियो में उसके बाद मैं बस एक स्ट्रेटेजी आपको दूंगी कि अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं और वहां पे आपको कोई भी कार्टून दिख रहा है तो कार्टून के नीचे दो से तीन लाइनें लिखी गई होती हैं सिर्फ और सिर्फ वो स्टडी कर लीजिए दैट विल बी मोर देन इनफ सिंस हमारे इस वाले एग्जाम में सैंपल क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू फॉर्मेट में कार्टून दिया हुआ है हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है बिकॉज वी जस्ट हैव टू पिक सम क्लियर है आंसर लिखना हो तो हम हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कार्टून बेस्ड बट वी शाल फर्स्ट कवर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो एंड उसके बाद जब भी आप एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी कार्टून देखें उसके नीचे दो से तीन लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया होता है कार्टून का वो आप रीड कर लीजिए दैट वुड बी मोर देन एनफ चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे वी हैव दिस कार्टून जहां पे श्रीलंका कैसे दोनों एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की कम्युनिटीज़ को टैकल कर रहा है राइट एक तरफ से एक तरफ तमिल मिलिटेंट्स हैं। क्लियर है दिस इज द डिपिक्शन ऑफ द कार्टून क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द फुल नेम ऑफ दर्गेनाइजेशन बाय द टाइगर इन दिस कार्टून टाइगर से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एल टी ई टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम क्लियर है एक्सप्लेन द डिलेमा ऑफ श्रीलंकन लीडरशिप इन ट्राइंग टू रिजोल्व डिलेमा है क्या कंफ्यूजन है जो श्रीलंकन लीडरशिप को आ रही है इस uh, इशू को रिजोल्व करने में एंड हाउ डिड एथनिक प्रॉब्लम अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ श्रीलंका ये चार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं आंसर सो एज डिस्क एल टी टी ई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम जो तमिल मिलिटेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अलग से वो एक वी कैन से इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं इंडिपेंडेंट एरिया चाहते हैं जहां पे उनकी मतलब चले उनकी सारी मांगे पूरी हो राइट फिर सेकेंड में क्या डिलेमा है क्या कंफ्यूजन है

एंड द निगलेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न लेट टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म जो हमने पढ़ा है बुक में वही पूरा एक्सप्लेन कर देंगे राइट right? क्लियर है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एल टी टी ई हैज बीन फाइटिंग एन आर्म स्ट्रगल विद इन द आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग तमिल इलाम अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स ऑफ श्रीलंका क्लियर है ये कॉन्फ्लिक्ट ये डिलेमा है राइट अब आगे चलते इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ा है इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड श्रीलंकाबल इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही है राइट right? क्लियर है ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है जो भी हमने पढ़ा है कंट्री के बारे में राइट right? uh, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा हो रहा है इट इज द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी क्लियर है साथ ही साथ ये शुरू से डेमोक्रेसी रही है राइट सो दिस वाज़ फर्स्ट कार्टून आगे चलते हैं हमारा सेकंड कार्टून है चाइना के ऊपर देन पहले अब देन एंड नाउ क्लियर है देखिए माउज लिटिल रेड बुक एंड कैपिटल कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई अब देखिए की बात हो रही है। इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम देन टू नाउ Assess एनी टू आउटकम्स ऑफ द लेटेस्ट चेंजेस दैट took place इन द कंट्री तो यहां पर आप देख रहे हैं लीडर माओ और हू क्या बदलाव आया है दोनों में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पूरी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है जो रिफॉर्म्स हमने पढ़े राइट ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है तो देखते हैं अपना आंसर राइट तो दिस कार्टून रेफर्स टू तो चाइना राइट रिपब्लिक ऑफ चाइना डिस्क्रिप्शन दे दी है 1949 वाज फॉलोड बाय कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ माओ ने कम्युनिज्म पे शिफ्ट किया द इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल राइट चाइना ने कोई भी लिंक्स नहीं रखे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से और खुद अपना सारा स्टेट ओन प्रोडक्शन के साथ कैपिटल एक्यूमिलेट किया राइट right? और चेंजेस क्या थे जो रिफॉर्म्स थे इकोनॉमिक पॉलिसीज की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज राइट हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर में राइट right? क्लियर है न्यू ट्रेडिंग लॉज फ्री फॉरेन ट्रेड हम कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं लेटेस्ट चेंजेस फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी ये कोई भी फायदे का नहीं है आपके एमसीक्यूज आएंगे सो so, बस आपको कार्टून में ये देखना है कि कौन सी हु इज बींग रिप्रेजेंटेड कौन रिप्रेजेंट हो रहा है कोई कंट्री रिप्रेजेंट हो रही है क्या इशू है राइट right? उसमें क्या दिखाया जा रहा है अगर न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है राइट right? या फिर साख की बात हो रही है यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है तो जो भी हु द कैरेक्टर्स एंड द इशू सिर्फ इन दोनों पे आपके एम सी क्यूज बन के आएंगे क्लियर है आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट कार्टून पाकिस्तान पे बेस्ड है जो मिलिट्री के लीडर हैं राइट आर्मी जनरल है वो भी सेम है और जो प्रेसिडेंट है वो भी सेम है राइट right? क्लियर है तो देखिए ये मुशर्रफ है राइट आइडेंटिफाई द कंट्री रिलेटेड टू दिस कार्टून दिस इज पाकिस्तान वर्नेंस बींग प्रैक्टिस इन दिस कंट्री क्या हो रहा है जो मिलिट्री है वही क्या कर रही है गवर्नेंस कर रही है इंटीग्रेटेड है राइट हाउ इज दिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू दिस कार्टून चलिए देखते हैं आंसर Country shown in the cartoon is Pakistan. Since power lies in the hands of military in Pakistan, the essence of true democracy is missing in Pakistan. Right? In India, other political parties or public have freedom of expression. They play a role in electing the government. Democratic pe democracy is the keyword. रेप्रेजेंटेटिव राइट यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है राइट right? क्योंकि मिलिट्री ही क्या कर रही है गवर्नेंस कर रही है वो इंटर रिलेटेड है इन पाकिस्तान एनी ऑपोजिशन पार्टी और सिटीजन कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द पॉलिसीज यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला गया है बट हम मेनली ट्रू डेमोक्रेसी पे फोकस करेंगे क्लियर है राइट right? आगे चलते हैं अनग इंपॉर्टेंट कार्टून जवाहरलाल नेहरू बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे है पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर चलिए आइडेंटिफाई द पर्सन होल्डिंग द बैलेंसिंग बीम बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर कौन है जवाहरलाल नेहरू राइट यहाँ पे उनका क्या पोजीशन थी पब्लिक सेक्टर बीन शोन इन दार्टून पब्लिक सेक्टर की तरफ झुकाव क्यों है राइट did the over emphasis on public sector affect the Indian economy? ये questions पूछे गए हैं

इंडस्ट्रीज को क्लियर है राइट आगे चलते हैं क्या इफेक्ट हुआ प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं हुआ इनिशियली तो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी फिर धीरे धीरे इसको कम करके बैलेंस लाया गया कि बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए और गवर्नमेंट को अपना रोल रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए एक फ्री एक के रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर इन द प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट के रूलर यहां पे है चलिए आईडेंटिफाई एंड नेम द लीडर शोन ऑन द राइट इन दार्टून र राइट में कौन से लीडर हैं ये आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर एंड इन योर ओपिनियन हाउ सक्सेसफुल वॉज द अप्रोच अडोप्टेड बाई द लीडर ऑन द राइट टू सॉल्व द इश्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट राइट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है राइट में राइट क्लियर है द होम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस The state is the princely state and ruler of the state is a monarch. The people of princely states were suppressed by the ruler very badly. kya relation tha jo ruler tha bahut zyada hi autocratic था, right? अपनी चलाता था, monarchy थी, लोग खुश नहीं थे. For example, Hyderabad में निजाम कैसे उन्होंने अपनी forces, raza kars लोगों पे inflict करा और कितना ज़्यादा जुर्म हुआ, right? Clear है? क्या ये successful थी approach सरदार वाला भाई पटेल जो जो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का हिस्सा बनाए रखने में अप्रोच थी किस चीज की कंसोलिडेशन और इंटीग्रेट करना टेरिटोरियल बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा ही जरूरी थी और बहुत सक्सेसफुल रही ड्यू टू द डिप्लोमैटिक स्किल्स ड्यू टू द फार साइटेडनेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हु इज ऑल्सो नोन एज द एन राइट नेशनलिस्ट कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट क्लियर है सो so, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी उनकी अप्रोच आगे चलते हैं दे सेट सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड राइट स्टडी द कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे पहले हु वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मड बाय द नेशनल फ्रंट इन नाइनटीन एटी नाइन इवन इफ यू डोंट नो द कार्टून आपने बुक पढ़ी आप आंसर दे सकते हैं वाई वॉज द गवर्नमेंट फॉर्म बाय हिम कॉल्ड अ पपिट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द पपिटर्स पोस्ट

द सीरियल नंबर ऑफ़ ईच नंबर वन पे राजीव गांधी है नंबर टू पे वीपी सिंह है नंबर थ्री पे एल के अडवाणी है ऐसे आपको कोई भी चार रिकॉग्नाइज करने हैं विच वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ऑफ द पीरियड रिलेटेड टू दंबर टू लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीपी सिंह के टाइम पे कौन सा इशू था मंडल इशू राइट वट वॉज द पोजिशन ऑफ द पार्टी लेड बाय नंबर वन इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ नाइनटीन एटी नाइन राजीव गांधी की पार्टी का क्या पोजिशन था राइट तो हमें ऐसे अपना कार्टून को आइडेंटिफाई करके चलना है और आंसर देने हैं राइट द पार्टी लेड बाई लीडर नंबर बैडली अफेक्टेड इन एंड कुड नॉट क्लियर मेजोरिटी क्लियर है सभी को परफेक्ट चलिए द मोस्ट पॉपुलर कार्टून क्या है ये ड्रैगन एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विच कंट्री द गिवन कार्टून रेफर टू इट इज द चाइना राइट रिपब्लिक ऑफ चाइना आइडेंटिफाई द टू सिंबल्स कौन से दो सिंबल है भैया ड्रैगन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये दो सिंबल पावर पॉलिटिक्स कि बहुत ज्यादा ही फास्टली ग्रो हो रही है राइट क्लियर है इट इज प्रोजेक्टेड टू टेक ओवरटेक यूएस एज दर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई ट्वेंटी फोर्टी राइट पढ़िया अनदर इंपॉर्टेंट कार्टून यहां पर आप देख सकते मिलिट्री मैन है राइट right? और उसके यहाँ पे मैप में इराक ईरान हाथ में क्या है वेपन्स हैं, राइट स्टडी द कार्टून विच कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय दिस माइटी सोल्जर दिस इज यू एस अ न्यूक्लियर पावर एज अ सुपर पावर वाई हैव द नेम्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज बीन रिटर्न ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर क्योंकि इस पे क्या किया था इन कंट्रीज पे यूएसए ने इन्वेजन किया था इनको कॉन्कर किया, इन किया हुआ है इनपे अटैक किया हुआ है राइट व्हाट मैसेज डज दिस कार्टून कन्वे टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी राइट right? because the us had invaded all ऑल countries कंट्रीज diagram शोज यू एस इज हेजमनी एंड सुप्रीमसी ऑफ पावर तो मिलिट्री पावर हार्ड पावर दिखाई गई है इट गिव्स द मैसेज दैट यू इज द सुपर पावर एंड हैज द माइट टू पुश इट्स इंटरेस्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट सो ये हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्टून क्वेश्चन क्योंकि ये बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं ये पी आपके साथ टेलीग्राम चैनल शेयर कर दूंगी और जो Uh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे वो ये है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं कार्टून क्वेश्चंस को इलॉजिकली बस घुस नहीं जाना है पूरी बुक के कार्टून पढ़ दिए हैं एमसीक्यू में आ रहा है मैनेज हो जाएगा राइट इफ यू नो द एनसीआर इफ यू हैव एक्चुअली स्टडीड द कॉन्टेंट द इंफॉर्मेशन तो आप इजिली ये क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है बिकॉज अगेन कितने मार्कर है फोर मार्कर के चार क्वेश्चन है आपको और चार एमसी क्यू आएंगे उसमें भी राइट सो वन मार्क ईच क्लियर है सो वी आर सेफ वेन वी टॉक अबाउट दी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन राइट एवरी वन सो दैट इज इट फॉर आर टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक डि एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर एट ह्यूमार हैप्पी लर्निंग आई सी यून द नेक्स्ट वीडियो